प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम जानेंगे पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे, के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर को। प्रश्नोत्तर को जानने से पहले आइए हम जानते हैं शब्दार्थ को, पाठ अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को। स्थिर, रुका हुआ, पश्चात, बाद में, पृष्ठ, पेज, सामग्री, सामान या वस्तु। सिलसिला, क्रम, पुनः, दोबारा, रफ्तार, गति। स्वर, आवाज, आनंद, खुशी, भिन्न, अलग। आयु, उम्र, बुद्धू, बेवकूफ, आरंभ, शुरू, झट यानी तुरंत। अब चले चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। सोचो, सोचो में प्रश्न संख्या 1, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह वर्तमान समय अर्थात आज के युग में छपी होगी। प्रश्न संख्या 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। उत्तर, पुस्तकें कभी बेकार नहीं होती, सालों साल तक पढ़ी जाती हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसे एक बार पढ़ लेने के बाद उसका महत्व कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। उत्तर, मैं कागज के पन्नों वाली किताब से पढ़ना पसंद करूंगी क्योंकि यह हमेशा हमारे पास रहेगी, इसे पढ़ने में भी आसानी होती है, इस किताब को कहीं भी बैठकर पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ।